आप दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप बिना एटीएम कार्ड के फोन पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं और किसी को आप कैसे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी आप यूपीआई ट्रांजेक्शन भी बिना डेबिट कार्ड के कर पाएंगे। आपके पास एटीएम डेबिट कार्ड नहीं है, उसके बाद भी आप अपना यूपीआई सेटअप करेंगे और यूपीआई सेटअप करके किसी को आप मनी ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन पे ऐप को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, लिंक पर क्लिक करके अपना फोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे या फिर अपना फोन पे का एप्लीकेशन आप अपडेट कर लेंगे। और जैसे अपडेट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर अपने एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो आपसे जितने भी परमिशन मांगता है सभी परमिशन को आपको यहाँ पर अलाउ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देखिए, यहाँ पर आपको आपका जो भी बैंक अकाउंट के साथ लिंक होता है वही मोबाइल नंबर देना है। देन यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करते हो उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो यहाँ पर उस ओटीपी को डालना है या फिर लॉगिन बाय सेंडिंग एसएमएस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर आप एसएमएस सेंड करके भी लॉगिन कर सकते हैं। देन लॉगिन बाय सेंडिंग एसएमएस करेंगे, देन सेंड एसएमएस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, परमिशन अलाउ करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो भी डिवाइस होता है उस डिवाइस से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद जो भी यहाँ पर आपसे परमिशन मांगेगा लोकेशन वगैरह को एक्सेस करने के लिए परमिशन अलाउ कर देंगे। यहाँ पर लोडिंग योर फोन पे अकाउंट, देन यहाँ पर देखिए आपसे जो परमिशन मांगता है सभी परमिशन को अलाउ करेंगे। और यहाँ पर सेटअप आ जाएगा, आपका बैंक अकाउंट सेटअप करना है तो यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट, कुछ पॉपुलर बैंक आपको मिल जाएंगे नीचे ऑल बैंक, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट रहता है वो बैंक यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर आप फोन पे में लॉगिन हो जाएंगे। और जैसे लॉगिन हो जाएंगे इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने रहेगा। उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। सबसे ऊपर आपको प्रोफाइल का सेक्शन दिखेगा, प्रोफाइल वाले सेक्शन पर आप क्लिक करोगे, नीचे यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोफाइल मिल जाएगा। कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर टोटल आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर जेंडर सबसे पहले अपना सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी एज पूछी जाएगी, एज डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है, अपना मैरिटल स्टेटस डालेंगे। यहाँ पर जो भी देंगे आपके पैन कार्ड आधार कार्ड पर जो रहता है वो डालेंगे। फैमिली मेंबर्स आपके कौन कौन से हैं यहाँ पर डाल देंगे। देन नेक्स्ट, ऐसे करके आप टोटल 15 क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और जिस भी बैंक अकाउंट को आपको ऐड करना है, जिस भी बैंक अकाउंट में अपना यूपीआई सेटअप करना है वो बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट करना है। काफी सारे आपको बैंक मिल जाएंगे, कोई भी बैंक है आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक अगर आप चाहते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक मैंने सेलेक्ट किया। देन एसएमएस सेंड होगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। क्या होता है कि यहाँ पर डिवाइस वेरिफिकेशन और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपके डिवाइस में लगा होना चाहिए, तभी ये आपका वेरीफाई होता है। और उसके बाद आ जाएगा सेटअप यूपीआई पिन। अब यहाँ पर आपको यूपीआई पिन अपना सेट करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा सेट यूपीआई पिन, इस पर आप क्लिक करेंगे आपकी बैंक डिटेल्स आ जाएगी। और यहाँ पर आपको अपना यूपीआई पिन सेट करना है पंजाब नेशनल बैंक का। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको डेबिट कार्ड का डिटेल्स डालने के लिए ऑप्शन मिल गया। अब यहाँ पर देखो, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी यहाँ पर आप डिटेल्स वेरीफाई करा सकते हैं। यहाँ पर डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट का अपना नंबर डालेंगे और यहाँ पर कब तक वैलिडिटी है आपके डेबिट कार्ड की, वो डेबिट कार्ड की वैलिडिटी डालेंगे। प्रोसीड करेंगे, आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के यहाँ पर अपना यूपीआई पिन आप सेट कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर मान लीजिए आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, तब की कंडीशन में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर, तो आप अपने आधार कार्ड के थ्रू भी यहाँ पर आप डेबिट कार्ड को ऑथेंटिकेट कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट को ऑथेंटिकेट कर सकते हो। उसके बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इंटर द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर, तो यहाँ पर आधार कार्ड का फर्स्ट 6 डिजिट का नंबर डालेंगे, प्रोसीड करेंगे और यहाँ पर आपके नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे। और यहाँ पर जैसे आपकी आधार ओटीपी वेरीफाई हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूपीआई पिन सेट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपने आधार कार्ड के थ्रू अपना यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूपीआई पिन आपका सक्सेसफुली सेट हो चुका है। और यहीं पर अगर आपको रिसेट करना है तो आप अपने आधार कार्ड के थ्रू भी आप यूपीआई पिन रिसेट भी कर सकते हो। देन यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए सेंड 1 रुपीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो 1 रुपए का ट्रांसफर होगा आपके फंड आपके बैंक अकाउंट पर और यहाँ पर आपका डिवाइस सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख लेते हैं कि कैसे आप किसी को मनी ट्रांसफर अपने फोन पे अकाउंट से कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर लॉगिन होने के बाद इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने रहता है, यहीं से आप रिचार्ज और बिल पेमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर किसी को मनी ट्रांसफर करना है, सबसे ऊपर मनी ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा, मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हो, किसी के बैंक अकाउंट और यूपीआई आईडी के थ्रू कर सकते हो। देख सकते हैं काफी सारे बैंक अकाउंट मेरे ऐड है, तो ऐड रिसीप्टेंस बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिसीवर का बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने सेल्फ अकाउंट पर भी यहाँ पर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं और बैलेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर किसी के मोबाइल नंबर के थ्रू अगर आपको मनी ट्रांसफर करना है तो किसी का मोबाइल नंबर डालेंगे, जैसे यहाँ पर हम एक मोबाइल नंबर डालते हैं
और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे, और यहाँ पर जो अमाउंट होता है आपका 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए, 1 लाख रुपए से ज्यादा आप यहाँ पर फोन पे यूपीआई पर मनी ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हम पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फेल टू पेमेंट, यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, बैंक का अपना यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो। पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इंटर 4 डिजिट या फिर 6 डिजिट का जो भी आपका यूपीआई पिन होता है उस यूपीआई पिन को डालेंगे, देन सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कनेक्टिंग सिक्योरली आपका पेमेंट यहीं पर सक्सेसफुली देख सकते हैं हो जाएगा। यानी फोन पे में आप किसी भी बिना एटीएम कार्ड के आप अपने आधार कार्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट करके यूपीआई पिन आप सेट करके आप किसी को आधार कार्ड के थ्रू भी मनी ट्रांसफर कर सकते हो, यानी फोन पे अकाउंट आप अपना विदाउट आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो। और ये छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस था दोस्तों कि बिना एटीएम कार्ड के अपना फोन पे अकाउंट कैसे बनाएंगे और कैसे किसी को आप मनी ट्रांसफर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मन में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक लीजिए टेक केयर।